भाजपा कायर लोगों की जमात है, भाजपा के लोग बम्बई सरकार के लोग डरपोक हैं। बसवराज बोम्मई जी का नाम पूरे देश में अगर लो तो पे सीएम का नारा साथ में लगता है। भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र तीनों के तीनों ना केवल कायरता से परिपूर्ण है परंतु भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब सिद्धारमैया जी का कांग्रेस के नेताओं का कत्ल करवाने की बात कर रहे हैं। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। साथियों, कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक गारंटी प्रोग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन कि आज ऐतिहासिक धरती बीदर में कांग्रेस के सब नेतागण, कार्यकर्तागण शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशन वाली भ्रष्ट सरकार केवल और केवल भ्रष्टासुर बनी है, लूटपाट में लगी है। वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की शिकायत हो, चाहे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की शिकायत हो, चाहे वो दिंगलेश्वर स्वामी जी की शिकायत हो, 40% कमीशन से प्रदेश की लूट जारी है। एक तरफ भाजपा के मंत्रीगण कांग्रेस के नेताओं का कत्ल करने की सरेआम बात कर रहे हैं। अश्वथ नारायण कहते हैं सार्वजनिक मंच से कि सिद्धारमैया जी का कत्ल कर दो, कल कहेंगे डीके शिवकुमार जी का कत्ल कर दो, परसों ईश्वर खंडे जी का कत्ल कर दो। जान लीजिए कि जो लोग हार गए हों वही केवल हिंसा की तरफ बढ़ जाते हैं। भाजपा को अपनी हार, जनता की जीत और जनता और कांग्रेस के गठजोड़ की जीत सामने नजर आ रही है, इसीलिए वो गरीबों की लड़ाई से, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, महिला, युवा, उनकी लड़ाई लड़ने से कांग्रेस को रोकना चाहते हैं। हमारी ये जो दोनों स्कीम्स हैं, गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी, जिससे 200 यूनिट बिजली फ्री हर कर्नाटक के परिवार को मिलेगी, ना जात देखेंगे ना धर्म, जिससे हर परिवार की महिला मुखिया को बैंक खाते में 2000 रुपया मिलेगा ताकि वो महंगाई से लड़कर परिवार का खर्च चला सके, वो इन दोनों स्कीम को रोकना चाहते हैं। इसलिए वो हमारा कत्ल करवाना चाहते हैं, सिद्धारमैया जी का, कांग्रेस के नेताओं का कत्ल करवाना चाहते हैं। पर वो जान लें कि कांग्रेस का तो इतिहास ही त्याग और बलिदान का रहा है। इस देश की परंपरा और माटी को हमने अपने लहू से सींचा है। महात्मा गांधी हों, राजीव गांधी हों, इंदिरा गांधी हों, सरदार बेन सिंह हों, विद्याचरण शुक्ला हों, महेंद्र कर्मा हों, नंद कुमार पटेल हों, हमारे प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने, हमारे नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश की रक्षा की है। वो हमारी इस लड़ाई को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वोट की चोट से 6.5 करोड़ से ज़्यादा कर्नाटका के लोग उनको सबक सिखाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा कायर लोगों की जमात है, भाजपा के लोग बम्बई सरकार के लोग डरपोक हैं। बसवराज बोम्मई जी का नाम पूरे देश में अगर लो तो पे सीएम का नारा साथ में लगता है। बोम्मई सरकार का नाम पूरे देश में लो तो उन्होंने 40% कमीशन को ही अपना तकिया कलाम और चिन्ह बना लिया है। भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र तीनों के तीनों ना केवल कायरता से परिपूर्ण है परंतु भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और इसीलिए वो घबरा कर अब सिद्धारमैया जी का कांग्रेस के नेताओं का कत्ल करवाने की बात कर रहे हैं। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। बसवराज बोम्मई जी, जेपी नड्डा जी, मोदी जी, आपको चुनौती है, बताइए समय और जगह, कहाँ लेकर आए, बस कहाँ लेकर आए सिद्धारमैया जी को, कहाँ लेकर आए डीके शिवकुमार को और ईश्वर खंडरे जी को, ताकि
आप जो हमसे बदला लेना चाहें ले लें, पर हम कर्नाटक की लड़ाई को, ग्रह ज्योति और ग्रह लक्ष्मी को आपकी कायरता पूर्ण बयान नहीं रोक पाएंगे।